गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज इंग्लिश का वीडियो अपलोड होगा। मैंने यूट्यूब पे चेक किया, मैंने इंग्लिश का वीडियो अपलोड नहीं किया था, भूल गई थी बनाना ही। तो आज किसी ने इंस्टा पे पूछा कि इंग्लिश का कोई ट्रिक बताइए, कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लेना अच्छे से। आई होप थोड़ी बहुत ही ज़रूर, लेकिन हेल्प ज़रूर मिलेगी इस वीडियो से आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पहला पहला नंबर पैसेज है, जैसे आप हिंदी में रहता है ना, गद्यांश पद्यांश देता है, इतना सारा लिख के फिर कुछ क्वेश्चन दे देता है, इसमें से ही आपको ढूंढ के लिखना होता है आंसर, या फिर थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा अपने दिमाग से इसमें ऐड कर लो, लिख दो। तो ये देख सकते हैं इतना दिया है एंड ये क्वेश्चंस हैं उसके। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर वापस यहाँ आए और मिलाएं कि इसमें कहीं उस क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता कहीं दिख रहा है। फिर वहाँ से आप दो या तीन लाइन उठा के लिख दीजिए, फिर से अपने दिमाग से भी ऐड कर दीजिएगा। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं याद किए तब भी समझ लो, आपको आंसर क्वेश्चन में ही मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर में ही, तो इसका टेंशन मत लो आप लोग। तो इन सब समझो, छोड़ दो, आप कर लोगे इसमें से ढूंढ के। एंड सेक्शन बी राइटिंग, तो आप देख सकते हो आर्टिकल आर्टिकल दिया हुआ है और टॉपिक अबाउट 100 से 150 वर्ड्स में देने हैं आपको, ओके। और इसी सबसे पहली बात, आप लोग ये देख रहे हो ना, ये डार्क में ब्लैक है, इस पर ध्यान दिया करो कि पूछ कितना रहा, बोल कितना रहा, कि कितना लिखना। आपको दिया तो तीन है लेकिन लिखना एक ही है आपको। तो आपको क्या करना है, आप कोई एक आर्टिकल तैयार कर लो, ठीक है, शॉर्ट में यूट्यूब पे और मतलब और से बहुत वीडियो मिल जाएंगे, इसमें आर्टिकल लिखना बताएंगे, या फिर आप खुद से एक आर्टिकल शॉर्ट में तैयार कर लो, कितने वर्ड में आ जाए, ठीक। और हाँ, पहली बात आर्टिकल एक 100% तैयार करो, ठीक, आए या ना आए आपको आर्टिकल लिखना है तो लिखना है। याद किए हो, अगर आप जो याद किए हो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी आपको वही आर्टिकल लिखना है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं राइटिंग लेटर, ओके, लेटर आए, लेटर भी चाहे जहाँ से आपको पूछ देगा। तो आप कई लोग होते हैं कि लिख देते हैं अगर उनको आता है, तो आपको अगर नहीं आपको आता, ठीक है, तो आप एक लेटर तैयार कर लो, ठीक, आपको जो अच्छा लगे वो एक लेटर तैयार करो, लेटर आना ही आना है तो आपको जो याद है वो लिख दो, आया तो नहीं आया तो भी वो लेटर आपको लिखना है। एंड देन सेक्शन सी ग्रामर, ठीक है, यहाँ पे देखो करेक्ट ऑप्शन आंसर, तो इसमें से पता है आपको, ये आपको बता रहा है क्वेश्चन है ये, फिर चार आंसर भी आपको दे रहा है, याद करने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है, बस इसको आप ध्यान से पढ़ना समझना, इन चारों में से जो आपको सही लगेगा उस पर टिक कर देना। तो पहली बात, तो आप जब लिखते हो ना तो देखो आप इसको लिख के फिर जो सही आंसर उसको लिख सकते हो, चारों मत लिख देना ना, तो या फिर सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का ए उसका फिर पहला, ऐसा सही, ऐसे भी क्वेश्चन मतलब हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो आंसर, तो ये भी याद करने वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये दे रहा है क्वेश्चन, आपको पढ़ना ध्यान से, टिक करना है, तो ये भूल जाओ, बस ये दोनों याद कर लेना खुद से, एक एक बना लेना, आएगा तो भी लिखना, नहीं आएगा तो भी लिख के आना। फिर देखिए 5 चेंज एनी वन, यहाँ पे भी देखिए ध्यान दीजिए, एक ही करना है, दिया है इसमें 2, पहले ए है ना, ए में 2 दिया है, लेकिन आपको करना कितना है, सिर्फ 1, ये ध्यान रखिएगा, ओके, 1 करना है। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट, पहले आप इसका यूट्यूब पे वीडियो देख लो, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, इसमें भी याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे वो खुद दे रहा आपको, बस इसमें आपको ध्यान लगा के समझना है कि सही क्या है गलत क्या है, उसको सही करना, और बस एक ही, दोनों मत कर देना, एक टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ एक करना है, ये चीज़ ध्यान देना आप लोग कि एक पूछ रहा है।
फिर सेम वही प्रोसेस देखिए बी में, यहाँ पे डायरेक्ट, डायरेक्ट कौन सा इसमें से है। ठीक है, यहाँ भी एक ही पूछ रहा आपको, आपको जो अच्छा लगेगा या जो समझ में आएगा वही लिखना आप। ठीक है, बस इसके तरीके कि कैसे पकड़ा जा सकता है, कौन सा सही है, ठीक, ये सीख लो। और तीसरा भी है, वही देख लीजिए, डायरेक्ट है, लेकिन ये भी देखिए ये थोड़ा सा अलग होगा। ओके, इसमें भी एक पूछ रहा है, तो एक ही आपको लिखना है, मतलब सब में वो खुद ही दे रहा है क्वेश्चन पेपर में, बस आपको दिमाग थोड़ा लगाना कि सही क्या है क्या गलत है, सीख लो तरीका कैसे पकड़ सकते हैं, कौन सा इनडायरेक्ट है कौन डायरेक्ट है, बस लिख देना है। इतना ईजिली है फिर भी लोगों को कन्फ्यूज़न है। नहीं वे छोड़िए, सबको रहता है फर्स्ट टाइम में, तो ये ट्रांसलेट ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ट्रांसलेट करना है, खुद दिया है, बस आपको इंग्लिश करना है इसका। एंड सेक्शन डी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीडियो धुंधला हो जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन आज पूछा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूछा 40 वर्ड में है। ठीक, काफ़ी सारे लोग होते हैं पूरा एक पेज ही भर देंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें एक या दो नहीं बोला है कि एक करना या दो, इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन में दो दो दिए हैं, या ये कीजिए या ये, एक का दो क्वेश्चन दिया है दोनों में से करना, तो यहाँ ए और बी दो क्वेश्चन आपको करने हैं 40 वर्ड के, कितने 40 वर्ड के, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप देखिए इसमें काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा कैसा होगा, तो आपका जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक आपको अच्छी लग रही है, टीचर्स तो लिखवाए ही होंगे, तो आप उनमें से दो क्वेश्चन याद कर लो 40 वर्ड के, आएगा तो भी लिख के आना, नहीं आएगा तो भी लिख के आना, क्या करना, लिख रहे हो ना आप, टीचर को कॉपी भरी हुई मिलेगी लिखी हुई, वो नंबर ज़रूर देगा। ठीक, अब टेंशन ना लो, दो क्वेश्चन को याद कर लो आप अच्छा सा, उसको लिख देना, आएगा तो नहीं आएगा तो भी। एंड क्वेश्चन नंबर 8वां, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है 80 वर्ड का, ये ध्यान देना, दोनों मत करने लगना, सिर्फ एक करना है तो ये भी आपको एक अच्छे से तैयार कर लो, आ गया अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी आप लिख देना 80 वर्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9वां आप देखिए, ये सेम क्वेश्चन नंबर पहले जैसा, जैसे पैसे था ना सेम उसी तरह है, इसमें भी देखिए ये 4 लाइन दिया है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे आप और इनमें से ढूंढ के आंसर लिखेंगे, थोड़ा सा आप अपने दिमाग से भी ऐड कर देना। ओके, नहीं कि हाँ जो है इसी में वही लिख दो, सिंपल सा। ठीक, ये दिया ना क्वेश्चन नंबर 1, तो आप इतना ये 2 वर्ड हटा दो यहाँ से, ये इतना ले लो, फिर इसमें से जहाँ थोड़ा लगे इससे कुछ मिलता जुलता उसको उठा के इसमें ऐड कर दो। ठीक, और बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं है, देख सकते हो, तो ज़्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन का आप 2 से 3 लाइन में आंसर दे दो, बहुत है। एंड 10वां देख लीजिए, सेंट्रल आइडिया है, तो सेंट्रल आइडिया भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आपके सिलेबस में होगा ही होगा, तो एक अच्छा सा सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो आप। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे इजी, उसको आप लिख देना, आया तो सही नहीं आया तो भी सही। ठीक है, बस आपको एक अच्छा से याद कर लो, लिख के आना, समझ लो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पेपर आप खुद ही बना रहे हो। ठीक, अपने से सबका एक एक दो जो भी क्वेश्चन आंसर सेंट्रल आइडिया सब कुछ तैयार कर लो, आगे अच्छी बात नहीं आया तो भी आप लिख के आना। ठीक है, वो जो आपको याद होगा, एक सेंट्रल आइडिया अच्छे से याद कर लो। एंड फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर आ गया 40 वर्ड का, यहाँ भी सेम 7वां जैसा ही पूछा है, यहाँ भी 4 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से 2 ही करना है, ए और बी में 2-2 दिए हैं, एक एक करना है 40 वर्ड।
और सेम 12वां भी वही है, 80 वर्ड, दो दिया है एक करना। तो यहाँ पे भी आप दो क्वेश्चन आंसर याद कर लो, फिर एक ये 80 वर्ड। तो टोटली आपको देखो क्या करना है, ठीक, 40 वर्ड वाला आपको 4 क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं और 80 वर्ड के 2 क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं और एक सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करना है, एक लेटर तैयार करना है और क्या था, एक लेटर था और एक आर्टिकल। ये सब तो कंपलसरी आपको एक एक जितना पूछा गया है उतना आप तैयार कर लेना, और अगर जो आप याद किए हो ना, अगर वही आ गया क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी आप लिख देना, ठीक है, क्योंकि जो आया होगा क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में वो तो आपको आएगा नहीं, जो याद होगा तो वही लिख देना आप, और बाकी तो इसमें खुद ही दिया है, खुद ही आंसर ढूंढने हैं, पैसेज हुआ इसमें आप खुद क्वेश्चन पेपर में ही दे देगा, आंसर ढूंढ लोगे, ये सब के लिए आपको तरीके आने चाहिए, कैसे आप इन्हें पहचान सकते हो कौन सा सही है कौन सा नहीं है वो सीख लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह पढ़े होगे आप लोग, सिखाया गया होगा कॉलेज में स्कूलों में कि कैसे पता करते हैं डायरेक्ट कैसे होगा इनडायरेक्ट कैसे होगा, तो सब कुछ इसी में दिया, बस आपको पढ़ना है ध्यान से और देखना कि सही कौन सा है। तो और ये तो ट्रांसलेट आप लोग कर ही लोगे, लगभग बस इतना ही है क्वेश्चन पेपर, आप लोग देख सकते हो, पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ, स्क्रीन शॉट लेना होगा आप लोग ले लेना, ठीक। ये क्वेश्चन पेपर अभी जो गया है ना 2023 वही है मेरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, देख सकते हो 2023 इंग्लिश, तो मैं इसे अभी कुछ टाइम बाद अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लेना और आई होप आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिल जाएगी मेरी इस वीडियो से, और हाँ देख के ऐसे ही छोड़ मत देना, और भी बच्चों को शेयर कर देना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ज़रूर, ओके, बाय बाय, टाटा।